नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑटो एसी के बारे में, यानी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में। जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया होता है दोस्तों, कुछ लोगों को इसको ठीक से यूज करना नहीं आता। हालांकि यहाँ पर आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 50% लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है कि इसको यूज करने का सही तरीका क्या है या फिर ये किस तरह से काम करता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में ही होने वाला है, यानी ऑटो एसी के बारे में होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारी गाड़ी में कुछ इस तरह का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। अब ऑटो एसी में क्या होता है दोस्तों, एक डिस्प्ले जरूर होती है जिसमें आपको टेम्परेचर शो करता है, साथ में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में जरूर आपको दिखेगी। जबकि नॉर्मल जो एसी होता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, यानी ऑटोमेटिक एसी में आपको टेम्परेचर भी शो करेगा, जितने भी आपने फंक्शन एक्टिवेट किए हैं वो शो करेंगे, ठीक है। तो ये एक खास चीज़ होती है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की। अब इसको यूज करने का जो तरीका है दोस्तों, बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसको हम ऑटो में डाल दें और टेम्परेचर जितना चाहें उतना सेट कर दें। कुछ गाड़ियों में घुमाने वाले नॉब होते हैं, यहाँ पर फैन या ब्लोअर का नॉब होता है, वो घुमाने वाला होता है। बट आजकल इस तरह का चलन है तो इस तरह के नॉब आपको देखने को मिलते हैं, ये काफ़ी इजी टू यूज है। इसी तरह से टेम्परेचर नॉब भी इसी तरह का देखने को मिलता है। तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, या आपकी गाड़ी में गोल घुमाने वाला है तो आप इस तरफ घुमाएंगे तो रेड का मतलब होता है हॉट, ब्लू का मतलब होता है कूल, ये आपको पता होगा। इसी तरह से ब्लोअर की स्पीड अप एंड डाउन, यानी अप एंड डाउन का यहाँ पर एरो बना हुआ है, तो हम ऊपर की तरफ करेंगे तो ब्लोअर की स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पर आपको दिख भी रहा है। तो ये फैन छपा हुआ है, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, देखिए फैन छपा हुआ है, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाऊँगा तो ये इस तरह से शो करेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हवा है वो कहाँ से आ रही है, देखिए यहाँ पर हवा आप देख रहे हैं ना, फेस पे आ रही है। इसको अगर हमको चेंज करना है तो यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग मोड बटन बोलते हैं इसको, इस तरह का दिया गया है। तो जैसे ही मैं इसको दबाऊंगा, देखिए एक फ्रेम में दिखाता हूँ, इस तरह से दबाऊंगा तो देखिए पैरों पर भी हवा आने लगी, अब केवल पैर पर आ रही है, और अब पैर पर आ रही है, और जो हमारी गाड़ी का जो विंडशील्ड का एरिया, डैशबोर्ड का एरिया, यहाँ से हवा आएगी, ठीक है। और अगर मैं फिर से दबाऊं तो फिर से फेस पे आएगी। ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होती है, जबकि मैनुअल एसी में ऐसा नहीं होता। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर। रियर डिफोगर के बारे में एक चीज मैं आपको बता दूं कि रियर डिफोगर केवल गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है तभी काम करता है। अब मेन जो बटन आता है वो ऑटो का आता है। जैसे ही हम ऑटो को दबाएंगे ना दोस्तों, तो अगर आप इसमें टेम्परेचर इतना लो करेंगे उतनी ऑटोमेटिक फैन की स्पीड बढ़ती नजर आएगी आपको, या फिर गाड़ी के अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक सेंसर होता है, कुछ गाड़ियों में यहीं पर एक सेंसर दिया होता है, इस गाड़ी में यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है डैशबोर्ड पे, ये जो आप देख रहे हैं ये सेंसर है, ये टेम्परेचर सेंसर है, ये आउटसाइड का टेम्परेचर शो करता है। ऑटोमेटिक एसी वाली जो गाड़ियाँ होती है उसमें आउटसाइड का टेम्परेचर आपको एमआईडी में जरूर दिखेगा या फिर यहाँ पर एसी में दिखेगा। तो अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो बाहर का टेम्परेचर दिखा रहा है ये 32 दिखा रहा है, चूँकि गाड़ी घर के अंदर पार्क है, शेड में पार्क है, इस वजह से टेम्परेचर बहुत कम बता रहा है। अदरवाइज बाहर का जो टेम्परेचर है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अपनी वॉच में 40 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो अभी 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो बाहर का जितना टेम्परेचर होगा उसी हिसाब से दोस्तों ये ऑटोमेटिकली, आपने जितना टेम्परेचर सेट किया है, 24 सेट किया है, ब्लोअर की स्पीड को कम या ज़्यादा करेगा। अब आपने 24 कर दिया और गाड़ी रखी हुई है धूप में, जैसे आपने ऑटो का बटन दबाया, 24 पर सेट है, यहाँ पर ऑटो लिख के आ गया, एसी भी ऑन है, यहाँ पर एसी ऑन की लाइट भी ऑन हो रही है, ठीक है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, ब्लोअर की स्पीड, गाड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म है तो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा हाई कर देगा ना, फुल पे कर देगा। उसके बाद फुल स्ट्रेंथ से जो एसी है वो काम करेगा, ऐसा नहीं कि 24 आपने लगाया तो 24 से ऊपर नहीं जाएगा, फुल स्ट्रेंथ से कंप्रेसर काम करेगा, क्योंकि गाड़ी को पहले जल्दी से ठंडा करना है। उसके बाद जैसे ही केबिन का टेम्परेचर 24 डिग्री जितना आपने सेट किया है उतने पे हो जाएगा, तो उसको मेंटेन करना स्टार्ट करता है, जबकि मैनुअल एसी में नहीं होता ऐसा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब आपको टेम्परेचर ना ही वापस शो होगा, बस आपको सर्दी लग रही है तो आप फैन की स्पीड कम कर देते हैं, टेम्परेचर पर ध्यान ही देते। लेकिन ऑटोमेटिक एसी वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना दोस्तों, वहाँ पर आपका फैन जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा, और केबिन के अंदर का जो टेम्परेचर है ना तो 24 से कम जाएगा और ना ही 24 से ऊपर जाने देगा। तो ऑटोमेटिक एसी का ये फ़ायदा है, एक बार केबिन का टेम्परेचर ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा, पहले फुल स्ट्रेंथ से चलाएगा एसी को, मतलब
जितना कूलिंग कर सकता है फुल तरीके से ये कूल कर देगा 24 डिग्री पर लाने के बाद, फिर स्टेबल हो जाएगा जैसे घर के एसी होते हैं ना, उसी तरह से ये काम करता है, बिल्कुल एकदम से नॉर्मली ये काम करेगा और आपकी गाड़ी का थोड़ा सा फ्यूल भी बचेगा। जबकि नॉर्मल एसी में क्या होता है दोस्तों, उसका जो कंप्रेसर होता है चलता ही रहता है, जबकि इसमें क्या होता है दोस्तों, कंप्रेसर बंद होता है चालू होता है, बंद होता है चालू होता है, और ब्लोअर की स्पीड कम करने से भी ऐसा होता है कि कंप्रेसर अपने आप बंद या चालू होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉर्मल गाड़ी है तो कूलिंग ज़्यादा हो जाए उसके बाद ब्लोअर की स्पीड हमको स्लो कर देना चाहिए, जिससे थोड़ा सा फ्यूल बचता है। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें सेट कर लेता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस टेम्परेचर सेट कीजिए, अपने आप ये ब्लोअर की स्पीड बढ़ाएगा कम करेगा, एसी के कंप्रेसर को फुल स्ट्रेंथ से चलाएगा कम करेगा, ये अपने आप टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, ये इसकी खासियत होती है। मैनुअल एसी में ऐसा नहीं होता, एक बार आपने जितने पे नॉब घुमा दिया उतने पे टेम्परेचर सेट रहता है, यानी ज़्यादातर आपने देखा हो नॉब को ब्लू जरा भी रखते हैं, एसी अच्छे से काम करे और अपने हिसाब से आप घुमाने वाला जो नॉब दिया होता है ब्लोअर का फैन का, उसकी स्पीड से आप उसको मेंटेन करते हैं, मतलब आपको सर्दी लगती है तो उसको कम कर दें, जबकि नियम के अनुसार आपको ब्लोअर की स्पीड के साथ साथ जो टेम्परेचर नॉब है उसको भी घुमा के ठीक से सेट करना चाहिए। तो मैंने जैसा कि कहा कि 50% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑटो एसी किस तरह से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए इसको ऑफ किया, मैं गाड़ी में आया, गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, मैंने ऑटो वाला बटन दबाया तो यहाँ 24 डिग्री मैंने सेट किया, मैं मान लो कम कर देता हूँ इसको, ठीक है 20 डिग्री पर सेट कर दिया, अब देखना ये अपने आप ब्लोअर की स्पीड इसको लगा उतना ही इसने ब्लोअर की स्पीड बढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि फुल कर दी। अब धीरे धीरे एसी काम करेगा, क्योंकि अभी गाड़ी ऑफ है, इंजन स्टार्ट नहीं है, तो एसी ऑफ है तो एसी जैसे जैसे काम करेगा, कंप्रेसर चलेगा, वैसे वैसे ब्लोअर की स्पीड अपने आप ही ऑटोमेटिक डाउन करता जाएगा और फिर 20 डिग्री पर स्टेबल हो जाएगा ये। तो ये खासियत होती है ऑटोमेटिक एसी की। तो ये एक जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। बाकी डिटेल में अगर आप वीडियो चाहते हैं पूरी सारी चीज़ों के बारे में, पूरे फंक्शन के बारे में, तो वो वीडियो मैं बना दूँगा, आप कॉमेंट में बताइएगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको लगभग बताई दी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।